अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के बंदो, मैं भैया तुम हमेशा बोलते रहते थे ना कि लंबी वीडियो बनाओ, तो लो ये वीडियो कर देगी तुम्हारी मुराद पूरी। अब से मैं हर संडे को आया करूंगी और पूरे हफ्ते की हर खबर की अच्छे से खबर ली जाएगी। तो सबसे पहली खबर तो ये है कि ये हफ्ता हमारे लिए कुछ ज्यादा ही मनहूस रहा है। इस हफ्ते हमने हमारे दो फेवरेट आर्टिस्टों को खो दिया, एक तो ऋषि जी और दूसरे इरफान जी। जहाँ पूरा मुल्क इनके जाने से दुखी था, वहीं कुछ जाहिल ऐसे थे जिनका अलग ही गेम चल रहा था। कोई ऋषि जी के पुराने ट्वीट्स लेके आ रहा था, कोई इरफान जी के पुराने वीडियो दिखा रहा था। बे भाई ये इतना नीचे तो डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं गिरता जितना ये सोशल मीडिया पे ट्रोल्स गिर जाते हैं। और गिरने से याद आया वो अपना नॉर्थ कोरिया वाला टेडी बियर किम जोंग उन, उसकी पूरे हफ्ते खबर चली, वो सर्जरी में मर गया। हफ्ता खत्म होते ही पता चला वो तो जिंदा और फीते काट रहा है। चलो अब ये बात तो हमें पता है कि बॉलीवुड फिल्मों में हीरो और रियल लाइफ में विलेन आसानी से नहीं मरते हैं। मेरे को मालूम है कि ये डांसिंग ताबूत वाले लोग भी आए होंगे इसके पास, लेकिन इसके डर से लौट गए होंगे वापस। और अब बात जरा अमरीका ही कर लेते हैं। ये व्हाइट हाउस की इतनी हिम्मत होगी, इसने हमारे मोदी जी को अनफॉलो कर दिया। मुझे जैसे ही पता चला मैं लाइन से सबको ब्लॉक मारा, ट्रंप को भी, उसकी बीवी को भी, उसकी बेटी को भी। नहीं जब तुम्हें हाइड्रोक्लोरोसिन चाहिए था तब तो बड़ा भाई नहीं है मेरा कर दिया था, अब काम निकलती अनफॉलो कर दिया। ये अनफॉलो और ब्रेकअप वाली हरकतें 14-year-old निब्बा निब्बी करते हैं, तुम्हें नहीं सूट करती ये सब हरकतें। पर उस व्हाइट हाउस से क्या उम्मीद रखे जिनका राष्ट्रपति ये कहता हो कि डिटॉल के इंजेक्शन लगा लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। बे भाई ये मुझे लगता है ये ट्रंप को ही ना बचपन में इंजेक्शन पूरे नहीं लगे तभी ये ऐसी बातें करता है। और फिर पत्रकारों के सवाल पूछने पे उनपे गुस्सा हो रहा है। बे भाई ये पत्रकारों को कैसे ट्रीट करते हैं ये हमारे मोदी जी से सीखो, मीडिया वालों को ऐसे पलकों पे बिठा के रखते हैं हमारे मोदी जी। और मोदी जी के लाडले मीडिया से याद आए अर्णब गोस्वामी, पहले तो इसे बेचारे को गुंडों ने पीटा, फिर 12 घंटे तक पुलिस वालों ने पूछताछ करी, लेकिन मजा आ जो इसने उसके बाद भी हमें बख्शा हो तो ऑन टाइम आके चिल्लाया है टीवी पे, काम घटिया करता हो पर करता पूरी डेडिकेशन के साथ है। अब बात पीएम केयर्स फंड में आए पैसे की, मोदी जी ने हमें इस पैसे का हिसाब देने से ही मना कर दिया। बे भैया क्यों नहीं बताओगे, हम सबका पैसा, हम सबने मिलकर दिया था, ये तो अफरीदी जैसी बात हो गई। मैं उसे 50 का नोट देकर 40 की सब्जी मंगाती हूँ तो बाकी बचे हुए 10 रुपए का हिसाब नहीं देता कभी भी। और सब्जी से याद आया एक कोई तिवारी साहब कह रहे थे कि मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो। बे भैया सब्जी खरीदने का सिंपल रूल है, सब्जी उसी से खरीदो जो साथ में फ्री का धनिया और फ्री में मिर्च दे। और फ्री से याद आया सहारनपुर के लोगों को फ्री में अपनी छत से हिमालय दिख रहा है। वे भैया हमारी छत से तो हमें जामा मस्जिद दिख जाती है, एक सलमा का कमरा दिख जाता है, हमें सारी गॉसिप मिल जाती है, हम तो इसी में खुश हैं। और एक वीडियो में तो UFO भी दिख रहा था। नहीं भैया दोबारे आ रहा हो, जल्दी तो मुझे बता दो, मैं अपनी एलियन जैसी औलाद को वापस उन्हीं के प्लेनेट पे भेज दूंगी। नहीं ये दोनों नहीं है यहाँ के, खाने के बाद डिजर्ट में ये अफरीदी तो चौक खाता है। बाकी मेरी औलाद इतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि 1 मई को लेबर डे पे सुबह सुबह फातिमा ने मुझे भी विश किया, कहती है कि आप भी तो पूरे दिन लेबर की तरह ही काम करती हो। उसकी ये बात सुन के तो मेरी आंख से आंसू निकल के सीधे मेरी चाय में जाके टपकाए। बाकी हम वीडियो को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं कि देश के कोने कोने में माइग्रेंट लेबरर्स को उनके घर पहुंचाने के लिए देश में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और हम दुआ करते हैं कि सब लोग सेफली अपने घर पहुंच जाएं। बाकी लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ गया है इसलिए हमें लोगों की इंस्टाग्राम की लाइफ से खुद को भी सेफ रखना पड़ेगा। और हाँ इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुवेरा ने, जो कि एक फ्री म्यूचुअल फंड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर आप अपने लाइफ गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और इसका AI आपको गाइड करता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ गोल के हिसाब से सही है। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में और चेक करिए। वीकली रैप विद नज़मा आपी के पहले एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।